सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सॉरी साहब, स्मार्ट। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है कि पैसा बोल। क्या तगड़ा हाथ मारा अपुन ने? अरे ऐसे तगड़े हाथ तो अपुन रोज मारता है क्या, लेकिन अपुन ने आज अजीब ही कारनामा कर डाला। बोले तो वो दो शाने लोग है ना, बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे, अपुन ने वो लोग का पर्स ही लूट डाला। दे ताली। ए शाने, कौन है भी तू? हाँ कौन है भी तू? वही जिसका अभी अभी इसने पर्स मारा है। वैसे लोग मुझे विधान के नाम से भी जानते हैं। विधान? बोले तो वो सीआईडी ऑफिसर? करेक्ट। अरे मरवा डाला ना। अबे चुरन, पर्स मारने के लिए तेरे को यही सब मिले थे क्या? दू क्या बजा के, चल पर्स वापस दे सबको। साहब साहब, गलती हो गया, माफ कर दो, ये लो आपका पर्स। हम लोग तो गरीब लोग है साहब, पेट के वास्ते ऐसा करते, हमको पकड़ के आपको क्या मिलेगा? अरे पकड़ना है तो वो लोग को पकड़ो ना जो आज बैंक लूटने वाले हैं। बैंक कौन प्लान कर रहा था? अरे वही दो शाने बस स्टॉप पे खड़े थे ना, जिसका अपुन ने पर्स मारा। अरे वही आज बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। कौन सा बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे? फ्यूचर बैंक में साहब, उनको बराबर मालूम है, वो लोग फ्यूचर बैंक में गेम बजाने का प्लान बना रहे थे, वो भी तीन खोके का। व्हाट? तीन करोड़ की बैंक डकैती। हेलो, यह फ्यूचर बैंक? क्या, कौन बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? कब? या यस मिस्टर श्रीवास्तव। मैडम हमारे बैंक में डकैती पड़ने वाली है। मैडम व्हाट? डकैती? जी मैडम, अभी किसी इंस्पेक्टर रावत का फोन आया था, उसने कहा कि एक घंटे के अंदर अंदर हमारे बैंक में डकैती पड़ने वाली है, हमें हमारी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट में रखना पड़ेगा। ओह नो मिस्टर ठाकुर, फौरन मेरे केबिन में आइए, इट्स एन इमरजेंसी, बैंक की सिक्योरिटी का सवाल है, कम ऑन मेक इट क्विक। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम, आई डोंट नो एनीथिंग। उन्होंने कहा है कि खबर एकदम पक्की है, एक घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों ने इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया हुआ मैडम। एक घंटे में? जी। लेकिन 15 मिनट के बाद तो कोई बड़ा कैश अमाउंट बैंक में होगा ही नहीं, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो सारा कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा और कैश ले जाने वाली वैन बस अभी आती ही होगी। रत्ना आ गया कमीना नंबर वन, अगर आज उसने कुछ हरकत की ना तो छोड़ूंगा नहीं। नरेश भगवान के लिए कोई हंगामा मत करना। देख रजत, तू गाड़ी के पास ही रहना, कहीं जाना नहीं, मैं तब तक पेटियां लोड करवाता हूं, समझ गया?
हाय स्वीटी, एक नजर इधर भी। क्या चाहिए? अपने हाथ से कुछ ऐसा पिला दो कि ये प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। ऐसी तो एक ही चीज है, जहर। अपने हाथ से वो भी पिला दो, वो भी पी लो। जरूर, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ, ये ले। अरे वो रजत कहाँ है? वही जा हमेशा होता है। वही जा। रजत क्या हुआ? रजत अरे अरे रजत, ये अरे रजत, ये रजत, अरे रजत, अरे भाई बोल तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा है। भीड़ क्यों है? हटो हटो। क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ, अच्छा बड़ा चल रहा था, एकदम गिर गया, मुझे खून भी निकलने लगे सर। सभी ठीक तो है ना? I'm sorry, ये मर चुका है। Whoa, whoa, whoa.
टाइट सिक्योरिटी के बावजूद बैंक का सारा कैश लूट गया। 3 करोड़ रुपए थे उन पेटियों में। 3 करोड़। वैसे कमाल करती हैं आप रमोला जी, जितनी सिक्योरिटी आपने बैंक के अंदर कर रखी थी उतनी सिक्योरिटी अगर आप बैंक की वैन के साथ रखती तो क्या जाता आपका। लेकिन ऑफिसर, हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि बैंक में डकैती पड़ने वाली है, वैन के बारे में तो हम लोगों ने सोचा तक नहीं था। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। कैश लोड करने के बाद तुम्हें वैन को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लापरवाही और मैंने, क्या बात करती है मैडम आप। वहां मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की जान निकल रही थी, क्या मैं उसकी जान बचाने की कोशिश न करता। आप अमीरों की दौलत क्या गरीब की जिंदगी से ज्यादा कीमती है मैडम। लेकिन इस तरह से अचानक रजत की मौत, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौत नहीं श्रीवास्तव बाबू, कत्ल कहिए। रजत को जहर दिया गया था। लेकिन उसने तो जूस के अलावा कुछ पिया ही नहीं था, और वो जूस, तो इसका मतलब उस जूस वाले ने जहर दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई रॉबरी नहीं की साहब, मैंने किसी को जहर नहीं दिया, मैंने किसी को जहर नहीं दिया साहब। और मैं भला उसे क्यों जहर दूंगा साहब। क्योंकि तू जानता था कि उसका तेरी बीवी के साथ लफड़ा चल रहा है। नहीं साहब, रत्ना के साथ उसका कोई लफड़ा नहीं था साहब, वो तो उसकी नजर ही बुरी थी, वो तो रमोला मैडम के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करता रहता था। एक बार रत्ना के साथ भी उल्टी सीधी बातें की थी, इसीलिए तूने उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। नहीं साहब, ये झूठ है साहब, मेरा विश्वास करो साहब, मेरे जूस में जहर नहीं था साहब। तो फिर उसके पेट में जहर पहुंचा कैसे, बोल। कुछ नहीं मालूम साहब मेरे को, कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हलक में हाथ डालकर सच कैसे उगलवाया जाता है। जब तक तू ये नहीं बताएगा कि उस डकैती में तेरे साथ और कौन कौन थे, और वो डकैती का रुपया तुम लोगों ने कहाँ छुपाया है, तब तक तेरी इसी तरह डंडा परेड होती रहेगी, समझा। नो सर, ना तो वो ये मानने को तैयार है कि उसने ही रजत को जहर दिया, और ना ही ये कि वही वैन लेकर भागा था। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। उसे वहां से वैन लेकर जाते हुए कई लोगों ने देखा था, और सर उन लोगों में आप भी थे। उस वैन को लेकर भागते हुए एक जोकर को देखा गया था रावत। उस जोकर को मैंने भी देखा और पब्लिक ने भी देखा, और ये अंदेशा लगाया गया था कि वो नरेश ही था। यानी कि आपको शक है कि वो नरेश नहीं, कोई और था। हो सकता है, क्योंकि रावत, ये हम जानते हैं कि रजत को जहर दुश्मनी के तहत नहीं दिया गया था, और ये उनकी रॉबरी का जो प्लान था उसका एक अंग था, उसका हिस्सा था। लेकिन सर, हो सकता है कि नरेश भी उस प्लान में शामिल हो। उसने एक तीर से 2 शिकार किए सर, अपनी दुश्मनी भी निकाल ली और माल भी लूट लिया। अपने आप को सलाखों के पीछे डालकर नहीं रावत, जो शख्स इतना जबरदस्त प्लान बना सकता है वो इतनी मामूली सी गलती नहीं कर सकता। ये जरूर किसी और ने इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाया है। उसके अलावा जूस में जहर और कौन मिला सकता है सर।
और रजत ने जूस के अलावा और कुछ खाया पिया भी नहीं था। यही बात तो मुझे खटक रही है रावत, कि वो सारा का सारा प्लान उस जहर पे डिपेंड करता था जो रजत को दिया गया था। अगर रजत जूस पीने जाता ही नहीं तो सर हमने गार्ड से बयान लिया है, उसका कहना है कि रजत अक्सर वहां जूस पीने जाया करता था और यह बात सब जानते हैं क्योंकि रजत का इंटरेस्ट जूस पीने में नहीं था बल्कि जूस बेचने वाली में था। मान लो रावत कि जिस वक्त जूस पीने जाता है उस वक्त वो लड़की, वो नरेश की बीवी, क्या नाम है उसका, रत्ना, वहां मौजूद ही नहीं है, तो वो जूस का ऑर्डर करता है लेकिन उसे प्यास नहीं लगी, वो जूस नहीं पीता तो क्या मतलब हुआ इसका, ये सारा का सारा प्लान चौपट? इसका मतलब है सर कि ये सारा प्लान जहर पर नहीं बल्कि रजत पर डिपेंड करता था। एग्जैक्टली। ये देखो रावत, ये उसी का वॉलेट है, ये उसमें से कैश मेमो मिला, 80,000 रुपए का कैश मेमो किसी ज्वेलर का है। 3 दिन पहले इस आदमी ने 80,000 रुपयों की ज्वेलरी खरीदी। एक मामूली से बैंक ड्राइवर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? लेकिन सर कोई 80,000 रुपए के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता ना। अगर रजत इस प्लान में शामिल था तो वो मरना क्यों कबूल करता? नो सर, नो, आई डोंट एग्री विद यू। रजत को यकीनन उसके किसी दुश्मन ने जहर दिया है और ये जहर नरेश के अलावा और कौन दे सकता है? वही हो सकता है रावत जो जोकर के भेष में वैन लेके भाग रहा था, वही जिसने उस वैन से वो रुपए चुराए। ये वो शख्स है रावत जिसका ये लॉकेट है। ये लॉकेट पहचानती हैं आप इसे? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये किसका लॉकेट है? शायद उसी आदमी का जो वो वैन लेके भागा था। मुझे ऐसा लग रहा है रमोला जी कि ये शख्स आपके बैंक के शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसने बैंक लूटने की साजिश नहीं रची, इसने वैन लूटने की साजिश रची जिसमें वो नोट पड़े हुए थे। जाहिर अगर ये बैंक के शेड्यूल के बारे में इतना कुछ जानता था तो बैंक वाले भी इसे जानते होंगे। I think ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है लेकिन कहां देखा है वही याद नहीं आ रहा। रमोला जी याद करने की कोशिश कीजिए, ये लॉकेट हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग साबित हो सकता है। अपने दिमाग पर जोर डालिए रमोला जी।
नो। जितना दिमाग पर जोर डालूंगी उतना याद करना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स रमोला, जस्ट रिलैक्स। दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, होता है ऐसे, अक्सर होता है। एक दिन अचानक से आपको याद आ जाएगा। और जैसे ही आपको याद आ जाए आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ऑफिसर, आप तो उस वैन का पीछा कर रहे थे ना, फिर चलती वैन से कैश गायब कैसे होगी? हो सकता है कि पैसे गाड़ी के रुकने के बाद गायब हुए हो। लुटेरों ने अपनी कोई गाड़ी वहां पहले से ही रखी हो और उसमें पैसे लेके भाग गए हो। शायद वैसे ही हुआ होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रमोला जी, इतने थोड़े से वक्त में उनके पास टाइम कितना कम था, उन्होंने फिर भी ताला तोड़ा, बॉक्स खोला, नोट लेके गायब हुए, जबकि वो बॉक्स लेके भाग सकते थे। दे कुड हैव सेव्ड टाइम। क्या मतलब? मतलब ही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं रमोला जी। वैसे ये आपके बैंक में कितने अरसे से था? अभी सिर्फ 3 महीने हुए होंगे। क्यों? इतने कम अरसे में आपने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी? एक्चुअली वो जगताप का कजन था और उसी के कहने पर हमने। जगताप? वो आपका दूसरा ड्राइवर? हाँ, जगताप हमारा ड्राइवर ही नहीं है, बल्कि वक्त पड़ने पर वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर लेता है। भरोसेमंद आदमी है। और मैं आए तो जगताप ने सिफारिश की थी अपने भाई? सिफारिश नहीं साहब, मिन्नतें की थी, हाथ पांव जोड़े थे, तब कहीं जाके नौकरी मिली थी साहब। अब क्या साहब, दूर का रिश्तेदार सही था तो अपना भाई ना, उसके लिए इतना करना तो अपना फर्ज था ना साहब। पहले क्या करता था ये तुम्हारा भाई? कुछ नहीं साहब, बेकार था, आवारागर्दी करता था। मैंने सोचा नौकरी मिल जाए तो सुधर जाएगा साहब। लेकिन वो सुधरा नहीं। हाँ जी, जी हाँ, उसके जेब से हमें ज्वेलरी के सेट की रसीद मिली है, जो ज्वेलरी सेट उसने 3 दिन पहले खरीदा था। इतने मामूली से आदमी के पास ये 80,000 रुपए कहां से आए? मतलब ये कि उस डकैती की पेशगी मिली हो, एडवांस। क्या बात कर रहे हैं साहब, उस बेचारे की जान चली गई और आप उस पे शक कर रहे हैं साहब? ऑफिसर, रमोला बोल रही हूँ, रमोला बख्शी। हाँ बोलिए रमोला जी, कोई खास बात? खास ही समझिए, दरअसल मुझे याद आ गया है कि वो लॉकेट मैंने किसे पहने हुए देखा। वेरी गुड, कौन है वो? मनमोहन, मनमोहन चावला नाम है उसका। श्रीवास्तव ने मुझे याद दिलाया कि उसके गले में भी ऐसा ही लॉकेट हुआ करता था। ये मनमोहन चावला साहब करते क्या हैं? जी, 6 महीने पहले तक हमारे इसी ब्रांच में कैशियर था, पर 6 महीने पहले उसे निकाल दिया यहां से, अब पता नहीं कहां है वो। नौकरी से निकालने की वजह? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आती थी, हिसाब में भी अक्सर गड़बड़ किया करता था। फिर मुझे शक हुआ कि वो कोई बड़ा घोटाला करने के चक्कर में है, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। और ये मनमोहन चावला साहब पाए कहां जाते हैं?
ये वही जहर है रावत जो रजत के पेट में पाया गया था। लगता है कि इस कत्ल से भी किसी लड़की का ताल्लुक है। जहर और लड़की, ये दोनों ऐसी कड़ियां हैं जो रजत और मनमोहन को आपस में जोड़ती हैं। सर, इसका मतलब है कि रजत वाकई उस डकैती में शामिल था और इस लड़की ने रजत और मनमोहन दोनों को धोखे से खत्म करके सारा का सारा माल हड़प लिया। रावत, मैं मुझे ऐसा लगता है रावत, जैसे इस कत्ल के पीछे कोई तीसरा भी शामिल है। तीसरा आदमी? ये वही आदमी है रावत, जिसकी जेब, जिसका बटुआ उन बच्चों ने मारा था। सर, उस बच्चे ने भी तो दो ही आदमी को प्लान करते हुए सुना था। हो सकता है कि वो दोनों आदमी रजत और मनमोहन हो? नहीं हो सकता रावत, क्योंकि उन दोनों के पास उन दोनों के बटुए मौजूद थे और यकीनन उस तीसरे के पास उसका पर्स मौजूद नहीं होगा। अगर होगा तो कोई नया पर्स होगा। यस यस, यू आर राइट सर। लेकिन सर, यह भी तो हो सकता है कि उन दो आदमियों में से एक रजत या मनमोहन हो सकता है रावत, शनाख्त सिर्फ वो बच्चे ही कर सकते हैं। ध्यान से देखो इस तस्वीर को, पहचानते हो इसे? नहीं साहब, कौन है ये? तुम बताओ, क्या ये वही आदमी है जो रॉबरी का प्लान बना रहा था? साहब, अपुन ने आपको बोला ना, अपुन उसको नहीं जानता, अपुन उसको कैसे पहचान सकता है? अपुन तो उसके पीछे था ना। उस पर्स को तो पहचानता होगा जो उस लंबू से मारा था तुमने। पहचान सकता है ना साहब, एकदम बराबर पहचान सकता है, लेकिन वो पर्स तो गया। वो तो इसने फेंक दिया ना साहब। कोई बात नहीं, इतना तो बता सकते हो कि वो पर्स फेंका कहाँ है? ठीक है साहब। We'll be right back.
सर। अरे साहब, ये तो वाइच पर्स है। जगताप, तो ये बात है, मेरा शक बिल्कुल सही निकला रावत। क्यों जगताप बाबू, अभी तक भाई की मौत का शोक मना रहे हो या जश्न? तू यहाँ क्यों आई है? क्या लेने आई है तू यहाँ? हिस्सा लेने। हिस्सा? अरे कैसा हिस्सा? रजत का हिस्सा। रजत का हिस्सा? उस लूट के माल में जो रजत का हिस्सा है वो मुझे चाहिए। क्या बकवास कर रही है तू? शुक्रा मनाओ के बकवास मैंने पुलिस के सामने नहीं की। मेरा आदमी तो मुफ्त में फंस गया, और वो रजत जिसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे बेमौत मारा गया। अब अगर मुझे उसका हिस्सा नहीं मिला तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि रजत कैसे मरा, उसे जहर किसने दिया। तो इसका मतलब तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, ऐसे समझ लो। कोई बात नहीं, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। शाबाश, अब की ना कुछ समझदारी की बात, चलो निकालो रुपए। या नहीं, रात 12 बजे तेली गली के 5 नंबर गाले के बाहर मुझे मिलना, वहां रुपया मिल जाए। ठीक है, अगर रुपया वहां नहीं पहुंचा तो पुलिस यहां पहुंच जाएगी। अरे तेरे को बोले ना जा, मिलेगा रुपया जा। आई थी यहाँ अपना हिस्सा मांग रही थी, मुझे लगता है रजत ने उसे सब कुछ बता दिया था। बात मुंह फाड़ रही थी वो। मैंने उसे रात 12 बजे तेली गली के 5 नंबर गाले के बाहर बुलाया है। अब उसको रुपए देने हैं या ये तू सोच, मेरा क्या मुकदम, समझा क्या? तो तुम मेरा हिस्सा लाए हो? हाँ, जगताप कह रहा था कि तुम काफी कुछ जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि रजत को जूस में जहर किसने दिया था। किसने? खुद रजत ने। गुड, इसका मतलब कि वाकई तुम बहुत खतरनाक साबित हो सकती हो। मैं तो हिस्सा देना ही होगा। तुम हाँ मैं रजत ने तुम्हें यह नहीं बताया कि यह सारा प्लान मैंने बनाया था? रजत को इस प्लान में शामिल होने के लिए लाख रुपए दिए थे मैंने। उस बेचारे को तो यह भी नहीं मालूम था कि 1 लाख रुपए में वो अपनी मौत खरीद रहा है। तो तुमने उसे धोखे से जहर दिया था? यस, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। प्लान के मुताबिक
वो कैप्सूल जूस के साथ पीने वाला था जिससे उसके पेट में दर्द होती, जबरदस्त दर्द। वो तड़पता पर वो मर गया। और तुमने मनमोहन को क्यों मारा? क्योंकि वो हिस्सा मांग रहा था? नहीं नहीं, उसका वो लॉकेट, उस लॉकेट ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। अगर रमोला को याद आ जाता कि वो लॉकेट किसका है तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसलिए मैंने खुद रमोला को याद दिलाया कि वो लॉकेट मनमोहन का है। उससे पहले ही मैंने मनमोहन को भी मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। लाइए, असली है, चल जाए तो खून निकलाया करता है, ऐसा वो हिंदी फिल्म अभिनेता मरहूम राजकुमार बोला करते थे। आपके कान ठीक है ना? मतलब डरे वरे तो नहीं ना? अब ऑफिसर, मैं अभी इस लड़की को आपके पास लेके आ रहा था। अभी इसने कबूल किया कि इसने पहले रजत को जहर दिया और फिर मनमोहन को भी। वैसे जुर्म किसने कबूल किया है श्रीवास्तव बाबू, ये तो हमने भी अपने कानों से सुन लिया है। इस बात का हमारे पास एक और गवाह भी है श्रीवास्तव बाबू, देखना चाहेंगे? रावत चल। जगताप, वही जगताप जिसने सिर्फ दौलत के लिए पहले अपने भाई को बलि का बकरा बनाया और फिर इस बेचारी के पति को। रत्ना जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने पुलिस की मदद की, वरना इसका पर्दाफाश करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त और लगता। ओ, ये भी मिली हुई थी तुमसे। सॉरी ऑफिसर, मुझे गिरफ्तार करके भी हम ये पता नहीं चला सकते कि वो 3 करोड़ रुपए मैंने कहां छुपाए। श्रीवास्तव बाबू, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो रुपया कहां है। जब मैंने उस वैन में वो खाली बॉक्सेस देखे तभी मेरा माथा खनका, समझ में आ गई बात कि पैसे रखने की महफूज जगह कौन सी होती है? बैंक के लॉकर्स, करेक्ट? तुम्हारे बैंक के लॉकर्स, करेक्ट? आई एम 100% करेक्ट। रमोला जी, ये रहे आपके 3 करोड़ रुपए। इतने सारे रुपए? जी हाँ, दरअसल ये रुपया आप ही के बैंक में था, डिफरेंट लॉकर्स में। वो लॉकर्स जो हमारे श्रीवास्तव जी ने फर्जी नाम पर बुक कर रखे थे। मतलब
बहन की वैन में रुपया थे ही नहीं। जी नहीं, इस डकैती की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डकैती पड़ी ही नहीं थी, रुपए बैंक से बाहर गए ही नहीं थे, बैंक के डिफरेंट लॉकर्स में ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन आपको कैसे पता चला? शक तो मुझे तभी हो गया था रमोला जी, जब खुली हुई पेटियों के वो ताले, वो टूटे हुए ताले उन्हीं कुंडों में लटके हुए थे। रुपए ले जाने वाला पेटियों को फिर से बंद क्यों करेगा, और बंद करने के बाद कुंडों में वो टूटे हुए ताले क्यों लटकाएगा? मनमोहन ने भागते वक्त उन बंद पेटियों के सिर्फ ताले तोड़े, खोलकर देखा तक नहीं था, ताकि ये साबित हो जाए कि वाकई डकैती पड़ी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि श्रीवास्तव इतना खतरनाक और शातिर निकलेगा। रमोला जी, शायद आप नहीं जानती कि इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए आपको भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था। क्या? जी हाँ रमोला जी, दरअसल मनमोहन के ग्लास पर श्रीवास्तव जी ने लिपस्टिक से होंठों के कुछ निशान बनाने की कोशिश की थी। उन निशानों को देख के मैं समझ गया था कि वो निशान बनावटी, क्योंकि ग्लास के अंदरले हिस्से पर इन्होंने वो निशान बनाए थे। इंसान जब ड्रिंक करता है तो ऊपर के होंठ अंदर पूरी तरह टच नहीं होते, और इन्होंने जो निशान बनाए थे वो अंदर की तरफ पूरी तरह बने हुए। Damn it! मैंने तो सोचा था कि मैंने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। तुमने मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। जोसेफ बाबू, जुर्म के अंधेरे में हर मुजरिम अपने आप को चालाक और शातिर समझता है, लेकिन कानून का सूरज जब चमकता है तो सारे के सारे भ्रम तोड़ के रख देता है। याद रहे, सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।